वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक बार फिर से। तो मैंने बनाई थी कीमा मैक्रोनी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी, तो आइए इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पे मैक्रोनी जिसे बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लिया है, और साथ में मैंने लिया है कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। और ये है कीमा जिसको मैंने तैयार किया है थोड़े से मटन और थोड़े से चिकन से। और इसे मैंने कैसे तैयार किया मैं आगे आपको बताऊंगी। ये है कटा हुआ प्याज, मैगी मसाला जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, घर का बना हुआ काली मिर्च पाउडर, घर का बना हुआ गरम मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर, और साथ में मैंने लिया है काला नमक, पिघला नमक भी है, दोनों नमक मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ। मैंने डाला है सरसों का तेल, और आपको जिस तेल में बनाना है आप उस तेल में बनाओ। और मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है इसमें, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पे बता दूँ कि मैंने मैक्रोनी कैसे बॉयल किया था। सबसे पहले मैंने गरम खौलते हुए पानी में 2 चम्मच तेल डाला और उसमें मुझे जितनी मैक्रोनी बनाना था डालकर उसको बॉयल होने दिया। जब मैक्रोनी बन गई तो मैंने उसे पसा दिया, और पसा कर मैंने उसको ठंडे पानी से धो दिया। इस तरह से मैक्रोनी बहुत ही अच्छी तैयार होती है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने कीमा कैसे तैयार किया। मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर थोड़े से कच्चे मटन थे और कच्चे चिकन थे, दोनों को मैंने ग्राइंडर में पीस कर छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, उसमें सारा कूटा हुआ कीमा डाल दिया, हल्दी, मिर्च, नमक, लहसुन पेस्ट डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके गला लिया। और इस तरह से मैंने कीमा तैयार कर लिया। यहाँ पे मेरा प्याज तैयार हो गया है, और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ मैक्रोनी। सारा मैक्रोनी एक बार ना डालें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सारे को एक बार डाल के फ्राई कीजिएगा तो वो टूट जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें फ्राई कर रही हूँ। और आँच को बिल्कुल आप धीमा रखेंगे, गैस पे पका रहे हो, इंडक्शन पे पका रहे हो, आँच को बिल्कुल धीमा रखना। और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैक्रोनी डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से आप इसे फ्राई कर लो, बहुत ही टेस्टी बनती है, घर के हर लोग इसको पसंद करते हैं। और ये तो मेरा छोटा सा किचन, थोड़ा मेसी हो रखा है, लेकिन आप इस पर ध्यान मत देना। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। ये लेफ्ट ओवर मीट का कीमा है, अगर आपके घर में चिकन या मटन आते हैं तो थोड़ा सा मीट को बचा लीजिए, और उसके बाद इसका कीमा तैयार करके आप मैक्रोनी बना सकते हो। मैक्रोनी दो तरह से बनती है, वेज, नॉन वेज। नॉन वेज इस तरह से बन सकती है, और आप इसे शाम के नाश्ते में आराम से खा सकते हो। और यहाँ पे जाता है काला नमक, मुझे काला नमक का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और साथ में मैंने दिया है काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन सारे मसालों को मैं अच्छे से चला लूँगी, या हल्के हाथ से चलाऊँगी। ज़ोर से चलाने से मैक्रोनी टूट जाता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारे मसाले मिल गए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक, और मेरा फेवरेट मैगी मसाला मैं इसमें डालती हूँ, हमेशा डालती हूँ, क्योंकि ये वेज मैक्रोनी बनाइए या नॉन वेज मैक्रोनी बनाइए, ये मैक्रोनी के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है, बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो आप ज़रूर डालें इसको, एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये मैगी मसाला डालने से आपका मैक्रोनी कैसा बना। तो मैंने मैक्रोनी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ रेड चिली सॉस जो कि चिंग्स का है, ये है वेनेगर, ये भी चिंग्स का है, और साथ में है ये ग्रीन चिली सॉस। ये तीनों सॉस जो है, आप जब मैक्रोनी पूरा फुल रेडी हो जाए तो आप इसे डाल के थोड़ा सा और पका लें। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और वेनेगर थोड़ा सा डाला है, इससे और टेस्ट अच्छा हो जाता है, चटपटा सा हो जाता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने इसे डालकर थोड़ा सा और फ्राई कर लिया है, सॉटे कर लिया है जो भी, और मैं करने वाली हूँ अब डिश आउट। मेरा मैक्रोनी तैयार हो गया और बहुत ही लजीज बना था, मैंने इसे खाया था, बहुत ही अच्छा लगा था, सबको पसंद आया था। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ही टेस्टी है ये।